तो फ्रेंड, जब भी मैं शोल्डरिंग करता हूँ तो मुझे एक प्रॉब्लम होती है। जो शोल्डरिंग का धुआं होता है ना, वो मेरे चेहरे की तरफ आता है और मेरे आंखों में जाता है, तो मुझे आंखों में जलन होती है। तो मैंने सोचा कि आप भी शोल्डरिंग करते ही होंगे कभी ना कभी, और आपको भी ये प्रॉब्लम ज़रूर आती होगी, तो क्यों ना कुछ तो सॉल्यूशन निकाला जाए जिससे कि ये प्रॉब्लम कम हो जाए या ना के बराबर हो जाए। तो मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला, मैंने एक डब्बे के अंदर एक फ़ैन को लगाया जिसकी वजह से फ़ैन जो धुआं है उसको अपनी तरफ खींच लेगा और धुआं हमारे चेहरे की तरफ या आंखों पर नहीं आएगा। और उसके अंदर मैंने LED भी लगाई है ताकि जब हम शोल्डरिंग करें तो अच्छा खासा लाइट वहाँ पे रहे। तो ये सब को मैंने कैसे बनाया वो सब आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस है इसका। पहले मैं आपको एक एक चीज़ दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। सबसे पहले मैंने लिया ये है कूलिंग फ़ैन, जो कि आप देख सकते हो ये हमारे PC में और बहुत से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लगा हुआ रहता है। उसके बाद ये लिया है LED मैंने, जो कि 9 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक रन करती है। उसके बाद ये है एक स्विच, इसका नाम तो मुझे पता नहीं लेकिन इसका मैं काम आपको बताता हूँ। इसके बटन को जब तक आप प्रेस करके रखोगे तब तक ये एक्टिव रहेगी, उसके बाद ये डीएक्टिव हो जाती है। इस स्विच का नाम अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट करें। उसके बाद ये लिया है मैंने एक बॉक्स जिसके अंदर हम हमारे LED और हमारे फ़ैन को फिट करने वाले हैं। LED और फ़ैन को पावर सप्लाई देने के लिए मैंने ये लिया है 9 वोल्ट का अडैप्टर। तो अब फिर से आते हैं इस बॉक्स पे और यहाँ पे हम हमारे फ़ैन को जहाँ हम फिट करेंगे वहाँ पे एक सर्कल कट करेंगे। तो मैं फ़ैन को इसके ऊपर रख के मार्किंग कर लेता हूँ और फिर उस सर्कल को मैं कटर से कट कर लूँगा। इस बॉक्स पर मैंने फ़ैन को रख के उसके साइज का सर्कल मैंने बना लिया है। अब बारी इसको कट करने की, तो मैं कटर से इसको फटाफट कर लेता हूँ कट। कटिंग करने के बाद और इसका माल मटेरियल निकालने के बाद अब एक बार मैं इसको वापस से चेक कर लेता हूँ कि ये प्रॉपर साइज़ में कटा है कि नहीं, जो हमारा फ़ैन है उसके लिए प्रॉपर साइज़ है कि नहीं। तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट साइज़ में कटा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इसके साइज़ में जो मैंने कटिंग की है। पर ये इसको इसके अपने जगह पर चिपका देने की, तो फटाफट इसको अंदर के साइड से चिपका देते हैं। फ़ैन को उसकी अपनी जगह पे फिक्स करने के बाद अब बारी आती है LED को, तो LED को भी फ़ैन के जस्ट ऊपर फिक्स कर देंगे यानी चिपका देंगे वहाँ पे। तो अब बारी आती है स्विच को स्टिक करने की, तो स्विच को हम बॉक्स के नीचे वाले एरिया यानी बॉक्स का जो बेस है वहाँ पे स्टिक करेंगे, ताकि बॉक्स का जब पूरा लोड यानी बॉक्स जब हम सीधे रखें तो उसका पूरा लोड स्विच पे आना चाहिए और स्विच प्रेस हो जानी चाहिए। आपको मैंने पहले बताया था कि स्विच का काम ऐसा है कि जब तक आप उसको प्रेस करके रखोगे तब तक वो एक्टिव है, उसके बाद डीएक्टिव हो जाएगी। तो बॉक्स का जब पूरा लोड स्विच पर रहेगा तब तक हमारे फ़ैन और LED चलेंगे। जैसे ही बॉक्स को हमने उल्टा रख दिया या पूरे बॉक्स को उठा लिया तो स्विच डीएक्टिव हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो अब आप समझ गए हैं कि स्विच को कैसे लगाना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने स्विच को यहाँ पे एकदम बढ़िया से चिपका लिया है टेप उप मार के। तो अब बारी आती है वायरिंग की, तो चलिए इनकी वायरिंग हम करते हैं। वायरिंग की शुरुआत करते हैं स्विच से। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक्स्ट्रा वायर है, अभी इस एक्स्ट्रा वायर को मैं स्विच के पिन के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। वायर को स्विच के साथ सोल्डर करने के बाद अब बारी आती है इसको बॉक्स के अंदर डालने की। तो पहले फटाक से मैं यहाँ पे एक छोटा सा होल कर लूँगा और उसके बाद वायर को इसके थ्रू अंदर पास कर लूँगा मैं। तो अब बढ़ते हैं फ़ैन और LED की वायरिंग की तरफ। फ़ैन के अंदर आप देख सकते हैं 3 वायर है, इसमें जो ब्लैक वाला है वो फ़ैन का कॉमन वायर है, येलो और जो ग्रीन कलर का ये फ़ैन को लेफ्ट और राइट घुमाने के काम में आते हैं। तो इसमें से हम सिर्फ ग्रीन वाले वायर के साथ कनेक्शन करेंगे, येलो वाले वायर के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा ग्रीन वाला वायर है उसमें कनेक्शन करने के बाद फ़ैन जो है अपनी हवा को अंदर की तरफ खींचेगा। फ़ैन हवा को जब अंदर खींचेगा तो धुएं को भी अंदर खींच लेगा, तो धुआं हमारे साइड नहीं आएगा और धुआं फ़ैन के अंदर से पास होकर दूसरे साइड चला जाएगा। अब जो फ़ैन का वायर है और जो LED का वायर है वो दोनों को एक दूसरे के साथ कॉमन कनेक्शन कर देंगे। LED और फैन का कनेक्शन होने के बाद अब बारी आती है स्विच के वायर को इनके साथ अटैच करने की।
तो स्विच के आपको दो वायर दिख रहे होंगे, उसमें से कोई भी एक वायर आपको एलईडी के नेगेटिव वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना है, एलईडी और फैन का जो नेगेटिव वाला पॉइंट है उसके साथ कनेक्ट कर देना है। अभी जो हमने कनेक्शन किया उसमें अभी कोई और कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम टेप से कवर कर लेते हैं और आगे का जो कनेक्शन है उसको हम करते हैं। तो अब कनेक्शन करने के लिए हमें दो पॉइंट बचते हैं, एक बचता है हमारे स्विच का वायर जो कि नेगेटिव वाला टर्मिनल है, एक बचता है हमारे फैन और एलईडी का वायर जो कि पॉजिटिव वाला टर्मिनल है। इन दोनों वायर को अडेप्टर के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ आपको कनेक्ट कर देना है। तो अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की, तो चलिए इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं कि ये सच में वर्किंग कर रहा है या फिर नहीं वर्किंग कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा आप देखते जाइए। तो मैंने वायर टेप का छोटा सा टुकड़ा लिया है और उसको अब मैं जलाकर देखने वाला हूँ कि धुआं कौन से साइड जा रहा है, हमारा जो फैन है वो प्रॉपर हमारे धुएं को अंदर की तरफ खींच रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल रहा है, जिस काम के लिए हमने इसे बनाया है वो काम को बहुत अच्छे से कर रहा है, यानी धुएं को बहुत अच्छी तरीके से अपने अंदर खींच ले रहा है और दूसरे साइड पास कर दे रहा है। तो जो मेरी प्रॉब्लम थी वो तो हो गई है सॉल्व, होप करता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई होगी। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो इसका मतलब है कि आप वीडियो में इंटरेस्टेड हैं और आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप वीडियो को देखते रहें। लास्ट में आपसे बस इतना कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ नया करते हुए मिलते हैं नए वीडियो में।